नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे अनबॉक्स करने जा रहा हूँ सुहेल देव, जो कि अमीश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये किताब लॉन्च हुई थी इसी साल जून में। अगर मैं ऑथर की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि अमीश त्रिपाठी को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। इससे पहले इन्होंने शिवा ट्रायलॉजी और रामचंद्र सीरीज़ भी लिखी थी, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड है। और ये दोनों ही बुक सीरीज़ इंडिया की फास्टेस्ट सेलिंग बुक सीरीज़ भी बनी है। ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ऑथर IIM कोलकाता से ग्रेजुएट हैं, और राइटर बनने से पहले इन्होंने एज अ बैंकर भी 14 साल तक काम किया है। इसी के साथ ये फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ और इंडिया टुडे की लिस्ट में टॉप 50 मोस्ट पावरफुल इंडियंस में भी शामिल हुए हैं। एक इनकी सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज अ टीनेजर ये एथिस्ट थे, पर जैसे जैसे इन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया, डीपली स्टडी किया, वैसे वैसे ही ये आस्तिक बनते गए, यानी बिलीवर बनते गए और भगवान में मानते गए। अगर मैं ऑथर के राइटिंग की स्टाइल की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी कहानी में हमें हिंदू पौराणिक कथाओं और इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड कहानियाँ देखने को मिलती हैं। और जो इन्होंने लेटेस्ट किताब लिखी है ये भी इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। जब महमूद गजनी इंडिया आया था तो कैसे हिंदुस्तानी राजाओं ने उसका सामना किया, उसी पर बेस्ड है ये किताब। तो चलिए पैकेट को खोलकर देखते हैं। तो यार, बुक की अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दी है, पर मेरे ख्याल से वीडियो दिखाने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने पैकिंग को खोला तो मैं समझ गया कि मुझे एक डुप्लीकेट बुक मिली है। अगर मैं बाहर के कवर की बात करूं तो कवर आप देख सकते हो काफ़ी घटिया क्वालिटी का है, प्रिंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, और अंदर भी प्रिंटिंग कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग आपको दिख जाएगी। मैं कोशिश करता हूं दिखाने की अपने मोबाइल से, देखिए मिस प्रिंटिंग साफ दिख रही है, और बाइंडिंग भी कुछ खास नहीं की गई, साइड पे ग्लू लगी हुई आपको साफ दिखेगी, और ना ही ऑथर की फ़ोटो है और ना ही बुक्स की डिटेल है आपको कवर पे मिलेगी। तो इस सेलर की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप भी अमेजोन से बुक मंगा रहे हो तो एक बार अपने सेलर की डिटेल ज़रूर चेक कर लेना। अगर सेम सेलर ही आपको भी बुक दे रहा है तो प्लीज़ ऑर्डर को कैंसिल ही कर दो मेरे हिसाब से। तो अदरवाइज़ तो बुक तो पढ़ी जा सकती है, तो इसलिए मैं इसी बुक को पढ़ के इस बुक का रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी अनबॉक्सिंग सुहेल देव की मेरी तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी यूज़फुल लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे हेल्प करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।